What does the term personality means? What is the difference between extroverts and introverts? तो चलिए जानते हैं इन्हें कुछ इंटरेस्टिंग सवालों के जवाब। Hey guys, welcome back to our channel, The Expertise Talks. So guys, आज का टॉपिक शुरू करने से पहले मैं आप सबसे एक सवाल का जवाब जानना चाहता हूँ और ये सवाल है Who are you? जी हाँ, आपने सही सुना, Who are you? ये सवाल जितना ही आसान है इसका जवाब उतना ही मुश्किल। इस सवाल का जवाब आप कई तरीकों से दे सकते हो, लाइक आप अपना नाम बताकर दे सकते हो, या फिर अपनी जॉब के बारे में बताकर दे सकते हो, या फिर अपनी हॉबीज के बारे में बताकर इस सवाल का जवाब दे सकते हो। बट हर इंडिविजुअल का जवाब सेम नहीं होगा और हर जवाब में कोई ना कोई डिफरेंस जरूर होगा। इस डिफरेंस की वजह है पर्सनैलिटी। हर इंडिविजुअल की एक पर्सनैलिटी होती है और उसकी पर्सनैलिटी के हिसाब से ही उसके इंटरेस्ट्स भी होते हैं। लाइक किसी को ट्रैवलिंग पसंद होता है तो किसी को साइलेंस बहुत पसंद होता है, तो किसी को लोगों से मिलना बहुत पसंद होता है, तो किसी को अकेले रहना बहुत पसंद होता है। सो हम कह सकते हैं कि इस वर्ल्ड में हर इंडिविजुअल की एक अलग पर्सनैलिटी है। आप पूरे दिन में हजारों लोगों से, मतलब कई लोगों से मिलते होंगे, लेकिन उनमें से कोई दो भी एग्जैक्टली सेम नहीं होते हैं। इससे एक सवाल डेवलप होता है और वो सवाल ये है कि क्या हम लोगों को उनके पर्सनैलिटी के बेसिस पे कैटेगराइज कर सकते हैं। तो दोस्तों, हम इस वीडियो में आपके पर्सनैलिटी से रिलेटेड सारे डाउट्स क्लियर करने की कोशिश करेंगे और आपको मशहूर ओशन मॉडल के बारे में भी बताएंगे, जिसकी हेल्प से हम किसी भी इंडिविजुअल की पर्सनैलिटी को डिफाइन कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि पर्सनैलिटी होती क्या है। तो पर्सनैलिटी एक सिंपल सा ह्यूमन बिहेवियर है जिसके ऊपर उसके इंटरेस्ट्स और कैरेक्टर्स डिपेंड करते हैं। अकॉर्डिंग टू अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन, पर्सनैलिटी इज डिफाइंड एज इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन कैरेक्टरिस्टिक पैटर्न्स ऑफ थिंकिंग, फीलिंग एंड बिहेविंग। साइंटिस्ट्स ने बहुत से पर्सनैलिटी ट्रेट्स के मॉडल बनाए हैं, पर जो सबसे ज्यादा एक्सेप्टेबल मॉडल है वो है द बिग फाइव, जिसे हम ओशन मॉडल के नाम से भी जानते हैं, जिसमें पहला ट्रेट है ओपननेस। तो इस कैटेगरी में आने वाले लोग बहुत एडवेंचरस होते हैं, इनमें नई चीजें जानने की क्यूरियोसिटी होती है, ये बहुत ज्यादा इमेजिनेटिव होते हैं, ये बहुत ज्यादा इमोशनल भी होते हैं और इन्हें नई चीजें एक्सप्लोर करने में अच्छा लगता है। दूसरे लोगों से काफी अलग भी होते हैं, ये बहुत क्रिएटिव होते हैं, ओरिजिनलिटी में बिलीव रखते हैं। ओपननेस पर्सनैलिटी का एक बेस्ट एग्जाम्पल है गूगल के CEO सुंदर पिचाई, जो कि इस कैटेगरी में आते हैं। वो लोग जिनमें ओपननेस का ट्रेट कम होता है, उन्हें नई चीजें एक्सपीरियंस करना अच्छा नहीं लगता, वो न्यू आइडियाज की तरफ ध्यान नहीं देते और सिंपल लाइफ जीना ज्यादा पसंद करते हैं, और ये लोग ज्यादा इमेजिनेटिव भी नहीं होते हैं, इसलिए इन नॉर्मल लाइफ से खुश होते हैं, इनमें कुछ नया करने का जज्बा नहीं होता। हमारी नेक्स्ट कैटेगरी है कॉन्शियसनेस। इस कैटेगरी में आने वाले लोग बहुत कंसेप्चुअल होते हैं, ये लोग ज्यादातर काम प्रॉपर प्लान बनाकर करते हैं, ये ना सिर्फ प्लान बनाते हैं बल्कि उन्हें एग्जीक्यूट भी करते हैं और अपने गोल्स को भी अचीव कर लेते हैं। ऐसी पर्सनैलिटी के लोग लाइफ में बहुत जल्दी सक्सेस भी हासिल कर लेते हैं, बट ये अपना काफी टाइम प्लानिंग करने में ही लगा देते हैं। इस कैटेगरी में आने वाले लोग बहुत ही कॉन्शियस होते हैं, ये बहुत डिसिप्लिन्ड होते हैं, ये लोग हर काम एकदम प्रॉपर टाइम पे कंप्लीट कर लेते हैं और ये लोग काफी हार्ड वर्किंग भी होते हैं और जल्दी हार भी नहीं मानते। इस पर्सनैलिटी का एक बेस्ट एग्जाम्पल है माइक्रोसॉफ्ट के प्रीवियस CEO बिल गेट्स, वो भी अपने एम्बिशन के टूवर्ड्स बहुत ही फोकस्ड थे और ये लोग काफी रियलिस्टिक भी होते हैं। इस कैटेगरी के ऑपोजिट आने वाले लोग अपने टास्क कंप्लीट नहीं कर पाते और ना ही ये लोग डिसिप्लिन होते हैं, और ये लोग बिल्कुल भी टाइम मैनेजमेंट का ध्यान नहीं देते और ये लोग बिना प्लानिंग के ही रहना पसंद करते हैं। हमारी नेक्स्ट कैटेगरी है एक्सट्रोवर्ट्स। इस कैटेगरी के लोगों को दूसरों से इंटरैक्ट करना अच्छा लगता है, ये हर काम पूरी एनर्जी के साथ करते हैं,
ये लोग मेनली ग्रुप में सेंटर ऑफ अटेंशन होते हैं या सेंटर ऑफ अट्रैक्शन होते हैं। इनको नए नए लोगों से मिलना अच्छा लगता है। ये लोग आसानी से लोगों से फ्रेंडशिप भी कर लेते हैं। ये हमेशा मोटिवेटेड रहते हैं और काफी सोशल भी होते हैं। एक्सट्रोवर्ट पर्सनैलिटी का एक बेस्ट एग्जाम्पल है मशहूर कॉमेडियन कपिल शर्मा, जिसके बारे में आप सभी जानते ही होंगे। हमारी नेक्स्ट कैटेगरी है इंट्रोवर्ट। इस कैटेगरी के लोग एक्सट्रोवर्ट से एग्जैक्टली अपोजिट होते हैं। इन्हें अकेले रहना अच्छा लगता है। ये लोग जल्दी किसी से इंटरेक्ट नहीं कर पाते, ना ही ये ज्यादा सोशल होते हैं। ये अपने सोशल वर्ल्ड में ज्यादा इंडिपेंडेंट फील करते हैं। बट इसका ये मतलब नहीं है कि ये अनफ्रेंडली होते हैं। ये फ्रेंड्स बनाते हैं बट इनको फ्रेंडशिप करने में काफी टाइम लगता है। इनको लोगों से मिलना ज्यादा पसंद भी नहीं होता, ये अकेले रहना चाहते हैं। इस पर्सनैलिटी का एक बेस्ट एग्जाम्पल है द ग्रेट पोएट एंड राइटर विलियम शेक्सपियर। कोई भी आदमी जो बहुत ही अकेला रहना चाहता है या फिर बहुत शांत होता है, वो इस कैटेगरी में आते हैं। और ज्यादातर पोएट्स राइटर्स भी इसी कैटेगरी में आते हैं, क्योंकि वो लिखना चाहते हैं तो उनको लिखने के लिए एक सुटेबल और बहुत शांत एनवायरमेंट चाहिए होता है। हमारी नेक्स्ट कैटेगरी है एग्रीबलनेस। इस कैटेगरी के लोग ज्यादातर टाइम दूसरों की बातों से एग्री कर जाते हैं। किसी भी चीज के लिए ये लोग जल्दी लड़ाई नहीं करते, ये लड़ाई से दूर ही रहते हैं। ये हर ओपिनियन को इजिली मान लेते हैं। इनके अंदर पावर की भूख नहीं होती है और ये परंपराओं को बहुत मानते हैं। इन लोगों के मोटिवेशन का सोर्स उनके दोस्त और उनकी फैमिली होती है। ये लोग किसी का बुरा नहीं चाहते और मेजॉरिटी में देखा जाए कि एग्रीबल पर्सनालिटी के लोगों का ग्रुप बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव होता है और उनके साथ दूसरे लोगों से रिलेशन काफी अच्छे होते हैं। द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ दिस कैटेगरी इज द सीईओ ऑफ ओयो रूम्स, रितेश अग्रवाल। इस कैटेगरी के ऑपोजिट आने वाले लोग हम डिसएग्रीबलनेस पर्सनालिटी में रखते हैं। कहते हैं इस कैटेगरी के लोग काफी एग्रेसिव होते हैं, ये जल्दी किसी की भी बात नहीं मानते, काफी अनफ्रेंडली होते हैं, लेस कोऑपरेटिव भी होते हैं और इनमें एंगर मैनेजमेंट बिल्कुल भी नहीं होता है। इस कैटेगरी के लोग जल्दी सक्सेस हासिल नहीं कर पाते बिकॉज ऑफ देयर इम्पेशेंट नेचर और उनका एग्रेसिव होना। हमारी लास्ट कैटेगरी है न्यूरोटिसिज्म। इस कैटेगरी के लोग मूड चेंजर होते हैं, मतलब इनका मूड बहुत जल्दी चेंज हो जाता है। ये काफी इरिटेट हो जाते हैं लोगों से, ये ज्यादातर सैड रहते हैं। इस कैटेगरी के लोग ज्यादातर एंजाइटी फेस करते हैं। ये लोग बेवजह की टेंशन लेते रहते हैं, स्ट्रेसफुल एनवायरमेंट में सरवाइव नहीं कर पाते। ये लोग ज्यादातर डिप्रेस्ड की कैटेगरी में भी आते हैं। इस कैटेगरी के ऑपोजिट आने वाले लोग हमेशा खुश रहते हैं और हर प्रॉब्लम को फेस करने की हिम्मत रखते हैं। ये फालतू की बातों से टेंशन भी नहीं लेते। अब बात आती है कि ये द ट्रेड्स नेटवर्क है क्या और इन्हें इतनी इम्पोर्टेंस क्यों दी जाती है। सो द ट्रेड नेटवर्क ये कहता है कि जो पांच ओशन पर्सनैलिटी हैं, एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं और ये जरूरी नहीं है कि आप एक ही पर्सनैलिटी में फिट आएं। आप में ये पांचों पर्सनैलिटी होती हैं, मगर कोई एक पर्सनैलिटी डोमिनेंट होती है। एट लास्ट मैं ये कहना चाहता हूँ कि एक पर्सन एक से ज्यादा कैटेगरी में भी आ सकता है और कई बार लोग एक से ज्यादा पर्सनैलिटी में भी आते हैं। अगर आप भी अपनी पर्सनैलिटी जानना चाहते हैं तो नीचे दिए गए लिंक की मदद से आप अपनी पर्सनैलिटी के बारे में जान सकते हैं। वो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। जिस पर्सनैलिटी में आते हैं वो हमें कमेंट करके बताएं। टिल देन गुड बाय एंड स्टे होम, स्टे सेफ। फिर मिलते हैं कुछ ऐसे ही साइकोलॉजिकल टॉपिक के साथ। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपना स्कोर कमेंट करके जरूर बताएं। टिल देन गुड बाय।